बिसमीम सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड इन दिन इस्पॉन्डलाइटिसच इज़ अ टाइप ऑफ़ जीरो अर्थराइटिस सो हेयर इज़ एन अनदर टाइप ऑफ जीरो अर्थराइटिस विच इज़ सोरियाटिक अर्थराइटिस सो बेसिकली सोरियाटिक अर्थराइटिस अकर्स इन एट्टी परसेंट ऑफ सोरियासिस केसेस अगर किसी को सोरियासिस एक स्किन लीजन है अगर वो हो रही है तो उसके साथ यकीनन हमारे पास सोरियाटिक अर्थराइटिस एट्टी परसेंट जो है वो ज़रूर एसोसिएटेड होगा इसके साथ साथ ये हमारे पास ए सीमेट्रिकल टाइप ऑफ आर्थराइटिस है दैट मीन्स कि हमारे पास ये दोनों लिम्ब में हो इट्स नॉट नेसेसरी इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स होती हैं उसकी सॉसेज लाइक अपेयरेंस हो जाती है फिंगर्स और टोज दोनों की तो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ जैसे हमारे पास फिंगर्स हैं नॉर्मल फिंगर्स होती है बट होता क्या है सॉसेज अपेयरेंस में हमारे पास जो हमारे डी और पी हैं वो जो होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं वहाँ पर स्वेलिंग होने लगती है ऐसे लगता है कोई नोड्स बन गए तो उससे हम कहते हैं सॉसेज अपेयरेंस ऑफ फिंगर्स एंड टोज यही सेम चीज़ हमारे टोज में भी होती है तो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस केस आइडेंटिफिकेशन में अगर सॉसेज अपेयरेंस आ रही है फिंगर फिंगर्स और टोज़ की तो दैट वुड बी सोरियाटिक आर्थराइटिस इसके साथ साथ हमारे पास अगेन मैंने कहा था कि हमारे पास जो स्पाइन uh, के आर्थाइटस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रखते हैं हमारे पास नेगेटिव आर्थाइटिस के साथ तो अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि एस आई जॉइंट की एनकाइलोसिस भी हो रहा होगा हमें केस ऐसे प्रेजेंट होगा कि उसमें एनकाइलोसिस एस आई जॉइंट स्पाइन वगैरह सब होगा बट हमें उसकी कोई एक की फैक्टर को ढूंढना होगा जो कि हमारे पास इन सारी जो टाइप्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा जैसे एनकैलोजिंग में हमने काफ़ी डिफरेंट बैंबू स्पाइन और भी उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देखे थे इसी तरह से सोरियाटिक में हमारे पास सॉसेज लाइक अपेयरेंस हो जाएगी फिंगर्स और टोज़ की और मोस्ट 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 इंपॉटेंट अनदर हॉलमार्क विच इज़ डी आई पी प्राइमेरली अफेक्टेड जिसमें हमारे पास नेल्स की पिटिंग हो जाती है डी आई पी इज़ द डिजल मोस्ट इंटरफेलेंशियल जॉइंट तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है नेल्स यहीं पर ही हमारे पास नेल्स भी फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर नेल्स की पिटिंग हो जाती है और ढस जाते हैं अंदर और इसी को हम कहते हैं ऑनकाइलॉसिस ये हमारे पास क्या होता है मेडिकल कंडीशन है इसमें पेनलेस डिटैचमेंट हो जाती है नेल की फ्रॉम द नेल बेड जिसको हम ऑनकाइलॉसिस कहते हैं तो पिटिंग ऑफ नेल्स और ऑनकाइलॉसिस इज अ कॉमन हॉलमार्क ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस और सॉसेज अपेरेंस इसके अलावा इसकी सब टाइप्स में हमारे पास आ डिस्टल आर्थराइटिस एक्जियल अर्थराइटिस मतलब इसमें भी ये चीज़ें होती हैं एक तो डिस्टल अर्थराइटिस हो गया जिसमें नेव्स और इनका आ गया एक्जियल आर्थराइटिस हो गया जिसके अंदर एस आई ज्वाइंट आ गया एसीमेट्रिक ऑलीगो अर्थराइटिस मैंने फर्स्ट पे यही बता दिया था कि हमारे पास ए सीमेट्रिक होता है डैट डजेंट मीन कि ये दोनों लिम्स में होगा और ऑलीगो अर्थराइटिस ये हमारे पास एक से दो जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा लेकिन अगर ये पॉली अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमारे पास ड्यूमोटाइड अर्थराइटिस की करेक्टरिस्टिक्स लेने लग जाएगा दैट वुड बी सीमेट्रिकल दैन वो हमारे पास सिमेट्रिकल फिर करेक्टरिस्टिक्स में चला जाएगा तो ये सोरियाटिक में भी होता है लेकिन अगर केस हो कि के हमारे पास सिमेट्रिक पॉलीआर्थराइटिस है और ये सारी चीज़ें कंडीशन है लेकिन आर नेगेटिव है तो हम किस फिर सस्पेक्ट करेंगे कि हमारे पास सोरियाटिक आर्थराइटिस है इसके अलावा लास्ट हमारे पास है अर्थराइटिस म्यूटिलेंस इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फिंगर्स और टोस इफेक्ट होते हैं जिसमें हमारे पास पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी हम आगे पढ़ेंगे वो आएगा अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ लैब्स कि हम किस तरह से इसको जो है डिफ्रेंशेट करेंगे क्या लैब्स होंगी और क्या रेडियोग्राफ्स होंगे तो लैब्स में सबसे पहले हमारे पास होगा ई जो कि रेज जाएगा किसी भी इन्फ्लेट्री कंडीशन में ई एस आर और सी आर पी रेज होते हैं इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिपोजिशन हो रही होती है यूरिक एसिड की भी तो यूरिक एसिड का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता और जो हमारे पास सॉसेज लाइक अपेयरेंस है जो नोट्स बन रही हैं इसी वजह से बन रहे हैं इसके अलावा सीरो नेगेटिव है तो आर एफ फैक्टर नेगेटिव होगा एच एल ए ट्वेंटी सेवन के साथ इसकी हमेशा से एसोसिएशन रहती है जेनेटिकली तो ये भी थर्टी फाइव परसेंट हमारे पास इसमें नज़र आ रहा होगा तो दिस इज़ इट इसके अलावा हमारे पास रेडियोग्राफ्स होते हैं रेडियोग्राफ में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी जिसको हम कह रहे थे अर्थराइटिस म्यूटिलेंस इसमें हमारे पास पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी में क्या होता है ये हमारे पास थंब और मिडिल फिंगर की तरफ हो रहा होता है तो ये फर्स्ट वाली अगर आप पिक्चर देखें ये हमारे पास क्या नॉर्मल फिंगर है बट ये हमारे पास जो है पेंसिल कप डिफॉर्मिटी है इसमें क्या हो रहा है जॉइंट इरोजन हो जाता है पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी में इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसा लग रहा होता है कि जो है ना एक कप बन गया है और ऊपर से हमारे पास इस तरह से बोनी अपेयरेंस जो है बोनी प्रोमिनेंस होकर जो है ना ऐसे शो कर रही होती है जैसे हमारे पास पर... पेंसिल जो है कप में जाकर इंसर्ट हो रही है तो ये हमें पेंसिल एंड कप डिफॉर्मिटी सोरियाटिक आर्थराइटिस में ही मेनली मिलती है जिसको हम आर्थराइटिस म्यूटिलेंस भी कहते हैं इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा होता है सोरियाटिक स्पोंडिलाइटिस अब सोरियाटिक स्पोंडिलाइटिस कैसे हम करेंगे कि हमारे पास स्पाइन में इन्फ्लेमेशन हो रही है लेकिन ये सोरियासिस की वजह से हो रही है इसमें दो चीज़ें हमें नज़र आएंगी एक तो एसीमेट्री नज़र आएगी एसीमेट्रिकर सैक्रो एलियाइटिस कि हमारे पास एक साइड के एस आई जॉइंट में जो है इन्फ्लेमेशन हो गई एक साइड के अब वो दर्द जो है हमारे स्पाइन में जा रहा है तो दैट वुड बी सोरियाट स्पॉन्डेलाइटिस जिसमें हमारे पास सिंडोसमोफाइट्स uh, भी बन रहे होते हैं जो कि बोनी ग्रोथ होती हैं एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ्स इसके बाद हमारे पास जो है बोन एनकाइलोसिस uh, भी हो रहा होता है लाइक बोनी एनकाइलोसिस जॉइंट्स की फ्यूजन हो रही होती है बोन्स आपस में फ्यूज़ कर रही होती हैं इसके साथ साथ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी हमें नज़र आ रही होती है किसकी डी आई पी जॉइंट्स की डिफ डी आई पी जॉइंट्स की फिंगर्स की रिंग फिंगर की इन सब में हमारे पास फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है नेल चेंजेस की भी हम पहले ही बात कर चुके हैं वो भी हमारे पास रेडियोग्राफ्स में नज़र आ रहे होते हैं कि नेल पिटिंग गई है या फिर एनका हो गया है या फिर हमारे पास नेल्स नील प्लेट जो होती है वो क्रम्बल्ड हो गई है तो दीज आर द रेडियोग्राफ्स ऑफ सोरियाटिकाइथराइट उसके बाद हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं ट्रीटमेंट में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास माइल्ड केस है कोई तो हम उसमें एंसर्ट्स दे देंगे नॉन एस्टोराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बट अगर वो चीज़ उससे बढ़ गई है तो हमारे मशहूर ज़माना अगेन डिमार्ड जिसमें हमारे पास मिथोट्रेक्सेट आ जाता है वो हम सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव से ट्वेंटी एम जी ओरली देंगे पर वीक इसके अलावा टी एन एफ विच इज़ अगेन आ बायोलॉजिकल एजेंट ये दे देंगे या yeah, इसके साथ साथ हमारे पास स्किन लीजन है सोरियास हमारे पास स्किन लीजन है ना तो उसको ट्रीट करने के लिए हम पुआ थेरेपी यूज़ करेंगे जो कि सोरियाटिक यू वी थेरेपी या लेजर थेरेपी होती है ये यूज़ करेंगे तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोरियाटिक आर्थराइटिस